और डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहे हो, दम है तो इस्लाम के बारे में बोल के दिखाओ या क्रिश्चियनिटी के बारे में, आपको पता चल जाएगा कि आपके देश में कितना आपको सुरक्षित हो। इनको सख्त से सख्त सजा लगना चाहिए। मनीष कश्यप पे जो लगा उससे भी डबल एनएसएन पे लगना चाहिए। अगर है आप में हिम्मत तो आप आओ यूपी में, बाबा बता देगा क्या क्या सनातन है क्या नहीं है। बोलता हूँ हिंदू को दो गाली। बोला आप चिंगारी तो लगा रहे हो, बोला आग यहाँ से लगेगी, ठीक है आप जितना दे सकते हो ना दो गाली। बोला जिस आक्रोश के साथ इस वक्त हिंदू जाग रहा है ना, वो आप कभी नहीं देखे होगे। जिस दिन एक हिंदू जवाब देने लगेगा या इनकी भाषा में इन्हें समझाने लगेगा, उस दिन इनके अकल ठिकाने आ जाएगी। है क्या सनातन में? एक बात बताओ, हर पर सनातन पे क्यों? मैं तो ये पूछता हूँ आपको, क्या सनातन फ्री का मिलता है कि अब जब आओ सनातन धर्म पे कुछ भी बोल दो? है कौन? एक बात बताओ ना, सनातन कौन मानता है? भैया हम तो वो लोग हैं कि हम पानी पीते हैं, पानी हमारा जीवन चलाता है तो हम नदियों को पूछते हैं, पेड़ हमें हवा देता है तो हम पेड़ों को पूछते हैं, सूर्य हमें रोशनी देता है तो हम सूर्य को पूछते हैं, हवा हमें सांस लेने मजबूर, हम हवा को, हम धरती के हर कण कण को पूछते हैं, इसलिए हम सनातनी है। नाम इनका है क्या? उदय स्टालिन। उदय नाम है हिंदू नाम, सूर्य की तरह उदय करने की जगह ये अपने अस्त पे जा चुके हैं। और दूसरा नाम हो गया स्टालिन। स्टालिन नाम जो लिया गया है रशिया का एक वो डिक्टेटर था, उसके नाम पे लिया गया है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 और उसके दौरान लाखों लाशों पे उसने अपनी नाम बनाई है। तो आप देख रहे हो जिनके जीन और डीएनए में इतना गंदा चीज भरा हुआ है वो उनसे उम्मीद क्या कर सकते हो? आप सनातन का पहले आपको मतलब पता है? सनातन का सिंपल भाषा होता है जिसका आदि ना अंत है, इटरनल। इटरनल मींस जो आरंभ से भी था और अंत तक रहेगा। जात पात के नाम पे तो आप खुद पॉलिटिक्स में वोट ले रहे हो, खुद आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हो और बात करते हो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए। आप इसीलिए बोल पा रहे हो ना हमारे धर्म के बारे में, क्योंकि आपको पता है हिंदू इतना सहनशील है कि आप उसके ऊपर कुछ भी कटाक्ष करोगे वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। आप किसी 110 लगना चाहिए, स्वतंत्र देश है, कोई कुछ बोल दिया आप लोग बीच में खड़े हो जाते हैं हर चीज। अच्छा, डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर में बैठ के माँ बहन की गाली दे रहा हूँ, इसका मतलब तो ये हो गया मैं बीच पे यहाँ कुछ भी करूँ, किसी को पकड़ के पिटूँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? अरे मूर्खो शर्म करो, अपने देवी देवताओं का अपमान सहने के बाद तुम इनको वोट देने चले कैसे जाते हो? मैं तो वहाँ तमिलनाडु की जनता को बोलता हूँ, डूब मरो शर्म के मारे। डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहा है वो आपके धर्म को, और आप उसके बाद भी अगर आपको उसको वोट देकर जिता रहे हो आप उसको उखाड़ फेंको, मैं तो ये बोलता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। एमके स्टालिन के बेटे का बयान आता है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू और मलेरिया की बीमारी की तरह है जिसे खत्म कर देना चाहिए। खैर, मैं खुद सनातन धर्म से आता हूं तो मुझे बचपन से ये चीज़ सिखाई गई है कि सनातन केवल एक धर्म नहीं बल्कि वो एक संस्कृति है जिसे आप ना केवल खत्म करने की जो बात कर रहे हैं उसे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन को हम जीते हैं। तो ये तो हो गई मेरे हिस्से की बात, और इस देश की 151 करोड़ की जनसंख्या जो है वो भी सनातन संस्कृति को जीवित रखने में हर एक प्रयास करती है। तो एमके स्टालिन और उनका ये जो छुटका सा परिवार है वो क्या ही खत्म करेगा? खैर, एक नेता को जवाब जनता अच्छी तरीके से दे सकती है, तो इसलिए मैं जनता के बीच में आया। और एक ऐसे वायरल चेहरे मेरे साथ में जो लगातार अपने हिस्से की बात को बड़ी पटकनी देकर रखते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि एमके स्टालिन के बेटे का जो ये बयान है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? बयान के बारे में बात करने से पहले मैं ये बोलूँगा, इनके नाम से ही पहले स्टार्ट करता हूँ। नाम इनका है क्या? उदय स्टालिन। उदय नाम है हिंदू नाम, सूर्य की तरह उदय करने की जगह ये अपने अस्त पे जा चुके हैं। और दूसरा नाम हो गया स्टालिन। स्टालिन नाम जो लिया गया है एक रशिया का एक वो डिक्टेटर था, उसके नाम पे लिया गया है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 और उसके दौरान लाखों लाशों पे उसने अपनी नाम बनाई है। तो आप देख रहे हो जिनके जीन और डीएनए में इतना गंदा चीज भरा हुआ है वो उनसे उम्मीद क्या कर सकते हो? आप बोल रहे हो कि सनातन धर्म डेंगू, सनातन धर्म इज लाइक डेंगू एंड मलेरिया, वी हैव टू इरेडिकेट देम। तो आप एक बात बताओ, आप कैसे मिटा सकते हो? सनातन का पहले आपको मतलब पता है? सनातन का सिंपल भाषा होता है जिसका आदि ना अंत है, इटरनल। इटरनल मींस जो आरंभ से भी था और अंत तक रहेगा और अंत के बाद भी रहेगा। आप सनातन मिटाने की बात कर रहे हो, सनातन की खासियत यही होती है कि बदलते, जैसे बाकी धर्मों में लिखा गया है बुकों में कि डेट यू हैव टू फॉलो दिस और डेट थिंग वट एवर देयर बुक इज ट्राइंग टू से, मतलब आपको वो सारी चीज़ें माननी पड़ेगी जो उनकी किताब कहता है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है इस चीज़ के लिए फोर्सफुल नहीं कहता है, वो कहता है कि अगर आप कोई भी पूजा पद्धति या कोई भी चीज़ आप पालन करते हो तो बदलते हुए वक्त के हिसाब से सनातन अपने आप को ही बदल लेगा। जैसे मान लीजिए आप 2022-23 में कोई पूजा पद्धति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 3000 और 4000 सन आएगा तो वो चीज़ वैसा ही रहेगा, समय के हिसाब से अपने आप को बदल देता है, इसीलिए हमेशा था है और रहेगा। आपने ये सारी बातें कह दी, आपने सनातन का खूब बखान कर दिया, लेकिन एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का कहना ये है कि भाई साहब आप लोगों ने जो हिंदुइज्म के अंदर आप लोगों ने क्या किया, वर्गों में लोगों को बांट दिया, कोई ऊंचा कोई नीचा, और इसी वजह से सनातन एक मलेरिया और डेंगू की तरह है जिसे खत्म करना चाहिए। अब एक बात बताओ, आप वर्णों की बात करते हो, आप जात पात के नाम पे तो आप खुद पॉलिटिक्स में वोट ले रहे हो, खुद आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हो और बात करते हो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए। आप इसीलिए बोल पा रहे हो ना हमारे धर्म के बारे में, क्योंकि आपको पता है हिंदू इतना सहनशील है कि आप उसके ऊपर कुछ भी कटाक्ष करोगे वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। वरना देख लो जो कन्हैयालाल का हुआ था, एक शब्द बोला नहीं कि गला कट गया, नूपुर शर्मा सिर्फ समर्थन कर दी तो उसको मारने के लिए लोग पीछे पड़ गए। तो मानसिकता देखो, जो आपको डरा धमका के रख रहे हैं उनके लिए तो आप चुप हो, लेकिन जो संवेदनशील लोग हैं, जो शांति है,
सनातन संस्कृति में चीटी तो चीटी मारने तक की भी परंपरा नहीं है। आप वैसे लोगों को आराम से आए दिन कुछ ना कुछ आप बोल देते हो और अगले दिन जाकर अपने घर में सो जाते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको छूट मिल रखा है और हम लोगों के ना बोलने के कारण से आप लोग इतना बोल पा रहे हो। जिस दिन एक एक हिंदू जवाब देने लगेगा या इनकी भाषा में इन्हें समझाने लगेगा उस दिन इनके अकल ठिकाने आ जाएगी। और आप और ये सनातन बार बार मिटाने की बात करते हैं, इनके मिटने से मिटेगा? ये मिट जाएंगे और इनकी सरकार मिट जाएगी। और जो इन लोगों ने लाइन बोला है कि सनातन धर्म इज लाइक डेंगू एंड मलेरिया, तो मैं बता दे रहा हूँ ये किसी हिंदू पे, ये एक्चुअली में ना उन सारे लोगों के मुंह पे इन लोगों ने तमाचा मारा है। जो सरकार इनको, तमिलनाडु की जनता ने जो इनको वोट दिया है, वो उन सारे वोटरों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि देखो आपके नेता कैसे हैं, जिनको आप चुनकर बोल के लाए हो आपके धर्म के प्रति क्या उगल रहे हैं। इसका मतलब आप मंदिर जाते हो, आप किसी धर्म स्थली पे जाते हो, इसका मतलब आप डेंगू मलेरिया लेकर आते हो। आप यही सिखाना चाहते हो ना कि जब हम सीख रहे हैं, हमारे भगवान लोग हमारे को ये दे रहे हैं, तो आप इनकी मानसिकता देखो और अगली बार वोट देने से पहले 50 बार सोचो कि ऐसे सपोलों को आप वोट दे रहे हो जो जीतने के बाद आपके धर्म के प्रति इतनी जहर उगल रहे हैं। एक बात बताइए, आपने ये सारी बातें कह दी, लेकिन इसमें उदय निधि स्टालिन के जो सपोर्टर्स हैं वो खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि बताइए हमने थोड़ा सा बयान दिया नहीं कि हमारे नेता को डेथ थ्रेट्स आने लग रहे हैं। ये हकीकत में सनातन है जो इस देश को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सनातन बर्बाद कर रहा है? आपका, आपकी जो विचारधारा है वो बर्बाद नहीं कर रही है। आप अगले दिन स्टेटमेंट पास करते हो ट्विटर पे, इतना ही डर लगता तो आप ट्विटर पे स्टेटमेंट नहीं देते कि मुझे किसी सैफरन वालों से डर नहीं है, जो होगा मैं देख लूंगा। तो आप तो खुद ही निडरवे में बैठे हुए हो। आपको पता है कि आपकी जो सपोर्टर्स है वो कल मारकाट मचा देगी। सनातन कभी संस्कृति नहीं है ना कि मारकाट करो मचाओ। एमके स्टालिन के ऊपर भी एक आरोप है मनीष कश्यप को लेकर के, तो क्या आपका कहना यह है कि ये पूरा का पूरा परिवार जो है वो अपोजिशन में ही रहता है हर चीज के, चाहे अगर वो कोई चीज पॉजिटिव? पहली बात तो मनीष कश्यप को तो एक कुचक्र में फंसाया गया। क्या गलत कर रहा था वो आदमी? बिहार सरकार की नीतियाँ, चाहे वो, तो मैं वो ऐसा बंदा था, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, किसी की भी सरकार हो, जहाँ उसको कमी लगता था वो एक्सपोज करता था। इवन जब बीजेपी के साथ अलायंस भी था नीतीश कुमार को, उनके भी रोड्स को, ब्रिज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज करता था कि करते थे कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो कल तुम्हारा एक क्या मजदूरों को मारकर नहीं बटाया जा रहा था? वही चिराग पासवान ने बोला, तो चिराग पासवान को क्यों नहीं उठा पाए? क्यों? क्योंकि आपको पता था पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपको फ्री का मिला मनीष कश्यप, दो स्टेटों की सरकार मिल गई और इनको ऐसा लगा दिया एनएसए कि आज उस बेचारे का निकलना मुश्किल। क्या मांगे उदय निधि पे भी एनएसए लगना चाहिए? बिल्कुल, आप किसी एक सौ लगना चाहिए। स्वतंत्र देश है, कोई कुछ बोल दिया आप लोग बीच में खड़े हो जाते हैं हर चीज। अच्छा डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ, अच्छा डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर में बैठ के माँ बहन की गाली दे रहा हूँ। इसका मतलब तो ये हो गया मैं बीच पे यहाँ कुछ भी करूँ, किसी को पकड़ के पिटूँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो और किसको क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम बोलते चाहोगे। तो आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए इसलिए आप बच रहे हो, रैंडम कोई बोल के दिखाए उल्टा सीधा थप्पड़ पड़ेगा यहीं पे, अभी उसको अकल ठिकाने आ जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग उस लेवल पे देख सकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप को इन लोगों क्या किया? फ्रीडम ऑफ मीडिया तो ये भी है कि आप कुछ भी दिखा सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन आपने क्या किया एक मीडिया में? सच, ऐसा भी गलत कुछ नहीं, सच दिखाने वाले को आपने अंदर ऐसा लपेटा कि आज तक वो बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और मनीष कश्यप को छुड़ाने की जल्द से जल्द कोशिश करे। अब आते हैं उदय निधि के टॉपिक पे। उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका एक सवाल ये भी रहता है कि ऐसा क्या है भाई सनातन संस्कृति में जो आप लोग इतना बखान करते रहते हैं? क्या क्या है क्या सनातन में? एक बात बताओ, हर बार सनातन पे क्यों? मैं तो ये पूछता हूँ आपको, क्या सनातन फ्री का मिलता है कि अब जब आओ सनातन धर्म पे कुछ भी बोल दो? है कौन? एक बात बताओ ना, सनातन कौन मानता है? भैया हम तो वो लोग हैं कि हम पानी पीते हैं, पानी हमारा जीवन चलाता है तो हम नदियों को पूजते हैं, पेड़ हमें हवा देता है तो हम पेड़ों को पूजते हैं, सूर्य हमें रोशनी देता है तो हम सूर्य को पूजते हैं, हवा हमें सांस लेने मजबूर, हम हवा को, हम धरती के हर कण कण को पूजते हैं, इसलिए हम सनातनी हैं। किसी जीव हत्या का हम प्रमोशन नहीं करते, इसलिए हम सनातनी हैं। सनातनी होना क्राइम नहीं है ना? हम अगर हर चीज़ को, हर रूप में हर चीज़ को पूजनीय मानते हैं सनातन जो हम लोग हैं, और आपको इस चीज़ से एलर्जी है, इसका मतलब आपके वोटर आपको वोट नहीं देते। वो हिंदू, हिंदू कौन है? हिंदू क्या किसी स्टेट में बाउंड है कि यही हिंदू होगा जो बीजेपी को वोट देता है? क्या वही हिंदू है? क्या आपके पार्टी के लोग आपको वोट दिए वो हिंदू सनातनी नहीं है? क्या क्या इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया हिंदू, नहीं नहीं एक मिनट, इसका इसका मतलब तो हिंदू सिर्फ हो गया यूपी, बिहार, झारखंड और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद हरियाणा और थोड़ा बहुत यूपी के क्षेत्र के लोग, मतलब जो हिंदू बीजेपी को वोट देगा वही हिंदू है, बाकी चीज़ मर गए हैं लोग, बाकी पूजा पाठ लोग नहीं करते। क्या आपके पार्टियों को जो वोट देते हैं वो हिंदू नहीं है? अरे मूर्खों शर्म करो, अपने देवी देवताओं का अपमान सहने के बाद तुम इनको वोट देने चले कैसे जाते हो? मैं तो वहाँ तमिलनाडु की जनता को बोलता हूँ, डूब मरो शर्म के मारे, डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहा है वो आपके धर्म को, और आप उसके बाद भी अगर आपको उसको वोट देकर जिता रहे हो आप उसको उखाड़ फेंको, मैं तो ये बोलता हूँ। आपका ये कहना है बिल्कुल उखाड़ फेंको, और बीच रोड पे आए तो चप्पल जूतों से इनका स्वागत करो कि इन्होंने क्या बोला है। इसका मतलब ये था आज के एमके स्टेलिन ने बोला। कुछ दिन पहले एक और आया था, जब हिमाचल प्रदेश में सरकार हारी, बीजेपी की हारी थी, तो वहाँ के वो क्या है उनके सीएम जो थे वहाँ पे,
सुक्खू की कौन से सीएम सुक्खू जी थे, वो बोलते हैं कि ये बीजेपी की हार नहीं है, सनातन की हार हुई है। कुछ दिन पहले उनका वीडियो वायरल चल रहा था, आपके जो कांग्रेस के चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, वो बोलते हैं कि अगर ये बीजेपी को वोट दोगे धीरे धीरे तो सनातन उठ जाएगा। अरे सनातन ये थोड़ी बोल रहा है कि तुम जय श्री राम नहीं बोलोगे हम तुमको मारना स्टार्ट करेंगे, ये नहीं है सनातन। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। आप अगर बाई द बर्थ हिंदू हो, नहीं भी वेद पढ़े हो, नहीं भी आपको उपनिषद याद है, नहीं गीता महाभारत याद हो, बट बाई द बर्थ आप हिंदू हो, आपके बोलने से कुछ बदल नहीं जाता। इसमें एक सवाल और खड़ा होता है सर, आप सभी चीज़ों का जवाब दे रहे हैं इसलिए मैं प्राइम फोकस आपकी तरफ रख रहा हूँ। अगर आपके देवी देवता इतने बलवान हैं तो ऐसे प्रवृत्ति के मानसिकता के लोगों के पास आकर के क्यों उन्हें खत्म नहीं कर देते हैं? अगर इतने ही बलवान है हिंदू देवी देवता तो, ये बहुत लोग पूछते रहे। ठीक है, अब थोड़ा कैमरा फोकस कीजिए, इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। लोग बोलते हैं भैया कहीं मर्डर हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं क्राइम हो गया, कहीं बैंक लूट गया, कहीं आग लग गया, कहीं भूकंप हो गया, कहीं बादल फट गया, तो आपके भगवान क्या करते हैं? आपके भगवान क्या इतने निर्बल हैं कि वो आ नहीं सकते ऐसे लोगों को बचाने? कहीं रेप हो गया तो उस लड़की को सहारा देने क्यों नहीं आते? तो एक बात बताओ, क्या भगवान के पास इतना फ्री टाइम है? एक मेरा इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। आप जो इंसान लोग हो, कहीं पे कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं रेप हो जाता है, कहीं कोई किसी को चाकू मार रहा है, इतने अपने आप को शेर बनते फिरते हैं गाजियाबाद से लेकर पूरे भारत में, और जैसे ही कहीं रेप मर्डर होता है भगना स्टार्ट कर देते हैं। यही आपकी शक्ति है? आप भगवान हर जगह नहीं आ सकते, इंसान किस लिए बनाए हैं? आपके पास क्या बुद्धि विवेक नहीं है? किसी लड़की का रोड पर मर्डर हो रहा है तो आप जाकर उसको बचाओ, तो ऐसे आप चोर दिखाओगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा और वहां भगने लगते हो? देखो सीधा एक गीता का एक श्लोक है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचनम न नवाब्दम वाब्दम्यम वर्त च यकर्मणे। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान कृष्ण ने बोला था कि पार्थ, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं करना चाहूं नहीं कर सकता हूं। मेरे चुटकी बजाते मौसम बदल जाएंगे, मेरे एक पलक झपकते दुनिया का दस हजारों दुनिया बन जाएगी। कुछ भी मैं जो करना चाहता हूं मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं इस महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं और मैं कर्म कर रहा हूं, और ये आने वाली मनुष्य और सभ्यताओं को दिखला रहा हूं कि मैं परमेश्वर होते हुए भी कर्म कर रहा हूं। तो कर्म श्रेष्ठ देश है, ये कर्म प्रधान है। सनातन इज आर्ट ऑफ लिविंग, एक ही जीने का तरीका है, तो बिना कर्म किए कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए कहीं आप कुछ इस तरह का देखते हो, कहीं कुछ आप बोलते हो, तो आप खुद मैदान में उखड़ो। हर टाइम भगवान पे मत जियो। वहां 1 लाख, मान लो 1 लाख रुपया रखा हुआ है, आप ये सोचोगे भगवान उठा के मेरे जेब में डाल दे, हवा से उड़ के आ जाए, क्यों आएगा? आप जाकर खुद उठा लेते हो ना, तो जो आपके फायदे की चीज होती है वो तो आप कर लेते हो, और जो चीज आपसे हो नहीं पाता है सिंपल है, पास नहीं हुए भगवान के कारण नहीं हुआ, मर्डर हो गया भगवान ने करवा दिया, ये हो गया भगत, सिंपल मिल चुका है। भगवान भी थक पक चुके हैं कि इन लोग अपने में ही कट मर जाएंगे, इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ होते हैं कि बोलते हैं कि भगवान आते क्यों नहीं? अरे भैया, ऋषि मुनि भगवानों को भी हजार हजार साल तपस्या करना पड़ता था, तब भगवान एक क्षण दर्शन देते थे। आप सोचते हो आपके एक आवाज में गुस्सा होकर आ जाए, आप 4 दिन पहले गाली देते हो और 1 दिन तारीफ करते हो, तो ऐसे दो तरफ के दोगलों लोगों के लिए भगवान देखेंगे तक नहीं। चलिए, आप सभी का एक एक पॉइंट मैं आखिरी में उदय निधि स्टालिन के लिए लेना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे उदय निधि स्टालिन? देखिए, ये उनका, मैं फिर से बोलूंगा कि ये उनका व्यक्तिगत राय है, और ये हमें, लेकिन वो तो ये व्यक्तिगत राय है तो एक बड़े मंच पर खड़े होकर के ये कहना तो नहीं ठीक है। आप जैसे भैया ने बताया उनका निजी मामला है, तो निजी मामला अपने बेडरूम में डिस्कस करो, अपने बाथरूम में फोन पे डिस्कस करो, एक बड़े मंच पे खुलेआम आप पूरे भारत के लोगों को बोल दे रहे हो और डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहे हो। दम है तो इस्लाम के बारे में बोल के दिखाओ या क्रिश्चियनिटी के बारे में, आपको पता चल जाएगा कि आपके देश में कितना आपको सुरक्षित हो। दूसरी बात, आप ये बोल कैसे सकते हो? मैं अगले दिन इनके, और उस पर से ट्वीट भी करते हैं कि हमें सेफरन वालों से कोई डर नहीं है, तो ये कितने निडर है कि बोल के चोर में बोल रहे हैं। इनको सख्त से सख्त सजा लगना चाहिए, मनीष कश्यप पे जो लगा उससे भी डबल एनएसएन पे लगना चाहिए, और आने वाले टाइम में इनको सरकार को उखाड़ के वहाँ की जनता फेंक दे ताकि इनको अपनी औकात पता चले कि आप किसको क्या बोल रहे हो। जी, आपका क्या कहना है उदय निधि स्टालिन को लेकर? देखिए, इस पे तो मेरे को ये जो प्रश्न है और जिस तरीके से उनका जो एक जो मैंने स्टेटमेंट सुनी, तो उससे मुझे आदि शंकराचार्य जी का मुझे स्टेटमेंट याद आई। आदि शंकराचार्य जी की ने भविष्यवाणी की थी कि जितने भी पॉलिटिशियन है, जो भारत की भविष्यवाणी उन्होंने करी थी कि जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी आडंबर ये कर रहे हैं ना, ये सब ये इनकी मट्टी पलीत होने वाले हैं। ये मैंने बकाया था, मैंने लकीली मैंने कल ही देखा था, लेकिन फिर आज सुबह जिस तरीके से मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, मैं बोला कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ होनी है। ठीक है, जितने भी आडंबर कर रहे हैं, ये आगे जो अपना जो फ्यूचर है, जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो इन लोगों से ही संभाल जाएगा, आगे वो व्यासपीठ से संभाला जाएगा, ऐसा उनका कहना था। दूसरी बात, मैं बोलता हूँ हिंदू को दो गाली। बोला आप चिंगारी तो लगा रहे हो, बोले आग यहाँ से लगेगी। ठीक है, आप जितना दे सकते हो ना, दो गाली। बोले जिस आक्रोश के साथ इस वक्त हिंदू जाग रहा है ना, वो आप कभी नहीं देखे होगे। क्या कहना है आपका, बताइए भाई? देखो, मेरा तो सीधा सीधा कहना है, पहले इन्होंने बात है जातियों में, जब आप लोग जातियों से जुड़ के एक धर्म में आ गए तो उन्होंने उससे भी दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो सीधा सीधा कहने का सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि भैया आप वहाँ पे तमिलनाडु में आपकी सरकार है, ठीक है, अगर है आप में हिम्मत तो आप आओ यूपी में, बाबा बता देगा
क्या क्या सनातन है क्या नहीं है, तब पता चलेगी कि असली असली मर्द की औलाद है। तो आओ यूपी में आओ, बाबा के सरकार के जहाँ बाबा की सरकार है आओ बोलो, यहाँ बता देगा कि कैसी एनएसए होती है, क्या प्रशासन होता है, क्या शासन होता है। पता चल जाएगी दो दिन में कि वापस ना भाग जाना तमिलनाडु, वहीं जा वहीं वहीं बोल सकते हो, यहाँ बस की नहीं है, क्योंकि यहाँ सैफ्रॉन वाला है, यहाँ से वहाँ तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि सैफ्रॉन वालों से हमें कोई खतरा नहीं है। यहाँ आओ, यहाँ तो वो भी चलेगा जो पिछले 20-25 साल से बैठे थे ना, वो भी कह रहे मेरे भाई कि अंदर रहन दो, बाहर आ गए तो बाबा ठोक देगा, तो इसलिए उन्हें वहीं रहन दो, वहाँ वो कुछ भी बोल सकते हैं। भाई यहाँ आओ, अगर बोलना है तो आओ यूपी में, यहाँ के बोलो पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपने हिस्से की राय रखने के लिए। तो ये आम जनता थी जिन्होंने उदयनिधि स्टालिन को लेकर के उनके हिस्से के जवाब रख दिए, जो उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयाधिबोधक चिन्ह लगाए थे कि कैसे हिंदू और जो है वो डेंगू और मलेरिया से जो भी उन्होंने कंपेयर करा था, अपनी छोटी मानसिकता उन्होंने दर्शाई थी। खैर आपके हिस्से की राय भी उतनी आवश्यक है जितनी इन लोगों की थी, तो अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में रखिए क्योंकि भरपूर जगह है कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।